मुरादाबाद में यातायात माह का जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ किया शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में यातायात माह का शुभारंभ किया गया और समाज में जागरूकता फैलाने के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने के लिए सभी से अपील की गई। रविवार को मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पीली कोठी चौराहे पर यातायात माह का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी राकेश सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने पहुंचकर सभी मुरादाबाद की जनता से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की। कार्यक्रम में यातायात पुलिस द्वारा वाहन रैली का आयोजन भी कराया गया। रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कि 15 दिन के अंदर मुरादाबाद की सड़कों के गड्ढे भरने का काम संबंधित विभाग करें, जिससे परेशानी उत्पन्न ना हो। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने मुरादाबाद नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी अपील की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, जिसका कारण ये है कि यातायात नियमों का सबने पालन किया। एक माह तक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जाएगा और सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें। शुभारंभ कार्यक्रम का सफल संचालन SP यातायात अशोक कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर SP सिटी अमित कुमार आनंद, SP देहात विद्यासागर मिश्रा सहित महानगर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। दिशा निर्देश दिए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल नवंबर माह जो है यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। इस माह के तहत पूरे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, शासन के स्तर से, विभाग के स्तर से। तो उसमें लोगों को जागरूक करना और जागरूकता के क्रम में नुक्कड़ नाटक है, स्कूलों में जाके लोगों को जागरूक करना, क्योंकि अभी कोविड महामारी का भी दौर चल रहा है। इस वजह से जो है स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो ऑनलाइन क्लासेस के बीच में ही हम ट्रैफिक के नियमों की जानकारी उनको जाकर दें। और इसके अलावा जो है लोगों को जागरूक करने के दृष्टि से अभी कोविड के संबंध में जो मास्क पहनने में भी काफ़ी ढिलाई आ रही है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसी के तहत हमको जागरूक करें कि अभी ये कोविड समाप्त नहीं हुआ है, ताकि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और वाहन की कंडीशन कैसी है इसके बारे में भी चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए बारे में भी उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन सब चीज़ों को हमारा प्रयास रहेगा कि सभी पे हम इसको टच अपॉन करें और कोशिश रहेगी कि विशेष रूप से चालकों पे जो नशे की प्रवृत्ति है उसके हम अंकुश लगाएं और यही कोशिश रहेगी। क्या अपील करना चाहेंगे सर इस अवसर पर, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करना स्वयं उनके हित में है, ताकि ऐसा करके कोई व्यक्ति हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट लगा के, नशे का सेवन न करके, सीमित गति का पालन करके ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने को अपने परिवार को सुरक्षित रखता है। क्या दिशा निर्देश है? ये मुख्य रूप से यहाँ जनपद मुरादाबाद में हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया जागरूकता कार्यक्रम है जो एक माह तक चलेगा, और उसमें जो तकनीकी पक्ष में इसके रोड इंजीनियरिंग है, एजुकेशन, उसको उसमें